अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अच्छे हैं और हम लोगों की इबादत हो रही है, सुबह की पंचूरा पढ़ रहे हैं हम भी और हस्बैंड तिलावत कर रहे हैं। और देखा हमारे पास, हम पढ़ रहे थे, तितली उड़कर आई बाहर से, हम उसको पकड़ रहे हैं, वो भाग रही है। भाग कर जाकर ये ऊपर देखें छत पर गाटर पर बैठ गई है। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो में क्या। देखें, हमने नाश्ते के लिए रोटी बेल रहे हैं, तवा हमारा एकदम हीट हो चुका है, रोटी डल गई है थोड़ी बहुत। और अदनान कह रहे हैं अम्मी पराठा चाहिए हमको, देसी घी वाला। अदनान को देसी घी वाला हम पराठा दे दें इनके लिए। बड़ी लोई हमने बना रखी है। आज हमने नाश्ते में जो है पालक गोश्त बनाया हुआ है। देखें, पालक गोश्त तो है, अदनान के अब्बू बहुत पसंद करते हैं। तो पराठा हमारा हो रहा है, देखें। अब आजकल जो है मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, तो घी जो है बिल्कुल दाने ऐसे, देखें दाने ऐसे से निकल रहे हैं। जो दाना वाला घी होता है वो हमको बहुत पसंद है, तो दाने वाला घी जो है बहुत अच्छा होता है। अदनान को लगी है भूख और उनको चाहिए देसी घी वाला पराठा, वो भी हम आवाज देते हैं। अदनान आ जाओ, नाश्ता ले लो, हो गया है पराठा और सब्जी, नहीं सब्जी नहीं है, गोश्त है और पालक है। अब्बू को बहुत पसंद है वो पालक गोश्त, वो खुद भी कई बार बना चुके हैं। अभी भूख लगी थी, अभी गायब है, आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अदनान चलो, देखें अदनान खाते हैं पालक गोश्त की नहीं, और आलू जल्दी खाते नहीं है। बहरहाल किसी शक्ल में अब्बू अब्बू को कहेंगे कि अब्बू बहुत पसंद है ये है वो है फला ढिका, तो शायद तैयार हो जाए। लो नाश्ता है तुम्हारा, निकल गया, आ जाओ, आने बैठ के हम दे देंगे नाश्ता तुम्हारा। खड़े हैं नाश्ते के लिए, बैठ खड़े हैं वह नाश्ते के लिए। अदनान नाश्ता अपना ले जाओ, तली रोटी ना दें, पराठा ना दें, तली रोटी दें। चलो ठीक है, पहले उबैद की रोटी हम बेल लेते हैं, तब एक और बनाते हैं। ज्यादा गर्म ना करें, लाल ना करें, वो पालक गोश्त है, अब्बू बहुत खाते थे, अब्बू बहुत पसंद है पालक गोश्त। तो दोपहर हो गई थी तो हम चाय बनाकर अपनी पी लिए, खाना हमारा सब बन गया है। सुबह पालक गोश्त बना हुआ था नाश्ते में, अब ये जो है दोपहर में हरी वाली सब्जी बनी है और दाल बनी है, चावल बना है, सब हमारा खाना बन चुका है। और धनिया खत्म हो गई थी तो हम ये फरहान से धनिया सोया मंगवाए हैं। दोगी क्या है, किसका है, जा चलो 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 दे दो, चलो पटके दो। नहीं नहीं छोटे को नहीं देना, चलो घर में जाके देख के आओ। चलो चलो देख के आओ, चलो चलो सामान ही दे दो। चलो किसको दोगी, है कहाँ है, कहाँ गई है, कहाँ जा रही है। अरे भाभी है कमरे में, भाभी बुला रही, सारा खेलू दे रही। तो देखें सारा जो पपीता ले आई थी तो उसको हमने निकाल कर रख लिया है और मशीन भी रख लिया है, ताकि हम उसको बारीक बारीक घिस कर जो है छत पर डाल देंगे। तो ये जब छल्ले जो है सूख जाएंगे, तो काफ़ी सूख कर छोटे हो जाते हैं, तो ये हम लोग घर में गोली कबाब है और टिक्का है, सीख वाला टिक्का, और कोई भी कबाब बनता है तो उसको भिगा देते हैं, उसके बाद मशीन में पीस कर इसको गोश्त में डाल देते हैं। तो गोश्त काफ़ी टिक्का है या चिकन फ्राई है या फिर गोली कबाब है, सब बहुत नरम और मुलायम होता है, तो घर में लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए हम लोग पपीता इमरजेंसी में कभी कभी नहीं मिलता, तो इसलिए घिस कर हम लोग छत पर सुखा देंगे।
और वह बैठकर अपनी नमकीन भुजिया खा रहे हैं और हम अपना घिस कर रख दे रहे हैं, छत पर ले जाकर डाल देते हैं। तो आइए एक प्यारी सी हदीस, छोटी सी बुजुर्गों का अमल सुन लेते हैं। मुश्किल वक्त से निकलने का आसान वजीफा, कड़े से कड़े मुश्किल वक्त में बावजूद 11 बार दरूद शरीफ, 11 बार सूरह इखलास और 11 बार कलमा तैयबा पढ़कर अल्लाह से मदद की दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल होगी। ये बुजुर्गों का बताया हुआ मुजर्रब अमल है, तो इसको आप लोग पढ़ लें, अल्लाह पाक ज़रूर सुनेंगे। किसी ने कमेंट किया है कि हमारे लिए, हमारे बेटे के लिए दुआ करिएगा, तो बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए हम लोग अल्लाह पाक से दुआएं करते हैं। अल्लाह पाक सबकी जायज़ दुआएं बिल्कुल पूरी करेंगे जायज़ दुआएं। और जिन्होंने कहा है, उनकी वालदा माँ का नाम है रोशन आरा और उनके बेटे का नाम है साहिल, तो उनके लिए बिल्कुल स्पेशली हम दुआ करवाएंगे और ख़ुद भी करेंगे, अल्लाह पाक ज़रूर सुनेंगे, आमीन। तो हमने नकाब पहन लिया है, नकाब पहनकर हम जा रहे हैं अपनी बहन के घर, बहन को लेंगे, फिर भाई हमारे बीमार हैं उनको देखने जाएंगे। तो आगे चलते हैं, बहन के घर जाते हैं, अल्लाह पाक उनको शिफा अता करे, आमीन। तुम्हें मेहंदी कौन लगाया? मम्मी लगाया है। हाँ, हमको लगवा दो, मुझे भी लगवा दो। तुम्हें कौन लगाया ये मेहंदी? ये मम्मी लगाया है। कैसे लगाया मम्मी ने? मम्मी ने लगाया। तो इस वक्त हम आ चुके हैं अपने घर पर, देखें हम नकाब भी पहने हुए हैं। तो हमने कहा लाओ आप लोगों को घड़ी दिखा दें, इस वक्त घड़ी में बज चुके हैं 6:40 हो चुके हैं। तो बहन हमारी अपने घर पर उतर गई और हम आ चुके हैं, नकाब अभी पहने हुए हैं। तो हमने कहा लाओ वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दें, वीडियो को एंड भी करनी है। तो अब चलते हैं, बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। भाई को देखा माशाल्लाह आराम है, थोड़ी थोड़ी आवाज निकलने लगी है, अल्लाह पाक वो भी अच्छा कर देंगे, तो पहले जैसे सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगे, आमीन। अल्लाह पाक अच्छा कर दें, सेहतमंद बना दें उन्हें, आमीन। तो अब हम चलते हैं अपने कुछ खाने पीने के लिए किचन में, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और हम भी बहुत सारी दुआ बहुत सारी इबादत के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। अभी चलती हूँ नमाज के लिए, खाना पहले कुछ बना लेती हूँ, उसके बाद नमाज पढ़ना है। और मगरिब की तो हम अपने भाई के घर भी पढ़े थे नमाज, हमारी बहन लोग भी, तीनों लोग पढ़ी थी। तो इसी वीडियो के साथ एंड करती हूँ, अल्लाह हाफिज़, आमीन।